सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, साथ ही साथ हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश को। सही आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुछ प्रमुख वन्य जीव विहार के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपसे प्रश्न में पूछता है एग्जाम में कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। अगर प्रश्न में पूछता है आपसे किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार आपका उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों सुहेलवा वन्यजीव विहार ये आपका बहराइच एवं गोंडा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? दोस्तों एक वेबसाइट लॉन्च की गई है मोदी स्टोरी के नाम से, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। अब प्रश्न में पूछेगा आपसे सुमित्रा गांधी कुलकर्णी कौन है, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी की पोती हैं। गांधी जी की पोती के द्वारा मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गांधी जी की पोती के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर चला जाएगा मेदांता गुरुग्राम के साथ। मेदांता गुरुग्राम ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ और अन्य पुरस्कार के बारे में देखेंगे 2022 के। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 किसने बनाया है? दोस्तों जेसी चौधरी ने। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 किसे मिला है? जिशान ए लतीफ को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है नमिता गोखले को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल किसे मिला है 2022 का? बाल कृष्ण दोषी को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 डेनमार्क ने जीता है दोस्तों। इसी के साथ 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? विल स्मिथ ने जीता है। तो दोस्तों ये प्रमुख पुरस्कार थे 2022 के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर चला जाएगा के श्याम प्रसाद। के श्याम प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर दोस्तों यहां पर चला जाएगा रेणु सिंह के साथ। रेणु सिंह आपकी वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं। एसएससी के नए अध्यक्ष की बात करें तो एस किशोर एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ बने हैं। एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता बने हैं। इसी के साथ दोस्तों भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह बनी है। कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ थी, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न दोस्तों। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मीराबाई चानू ने भी पुरस्कार जीता है। इनकी बात करें दोस्तों तो मीराबाई चानू आपके किस खेल से संबंधित है? ये आपका भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इनके कोच की बात करेंगे दोस्तों, कुंजरानी देवी इनके कोच हैं और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है?
तो दोस्तों राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य के द्वारा जीती गई है? सही आंसर चला जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? ये आपका बनाया गया है नई दिल्ली में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये आपका स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किए गए थे। तीसरा आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मिगुएल वॉर्मडैम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों मात्र 28 वर्ष की उम्र में किस देश के फुटबॉलर जिनका नाम है मिगुएल वॉर्मडैम, इनका निधन हो गया है? ये दोस्तों संबंधित हैं बेल्जियम से। बेल्जियम के फुटबॉलर थे मिगुएल वॉर्मडैम, इनका 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ONGyani। ONGyani ने ONGC विदेश लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? दोस्तों मिशन 100% कह सकते हैं या फिर 100% विद्युतीकरण, ये किस रेलवे ने पूरा किया है? सही आंसर यहाँ पे चला जाएगा, कोंकण रेलवे ने ये पूरा किया है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है चला जाएगा 17 के साथ। 17 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी है सरकार ने, किससे? HAL से। HAL की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक आपके वालचंद हीरा चंद इसके संस्थापक थे। 23 दिसंबर 1940 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ये आपका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये दोस्तों किया गया है कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाए। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है हाल ही में। पर्याय महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ये आपका कर्नाटक में मनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्वार का निर्णय किस कहाँ पर लिया गया है? ये आपका कर्नाटक में लिया गया है। और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये आपका कहाँ पर मनाया गया है? ये भी आपका कर्नाटक में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत की GDP जो है वृद्धि दर इसमें कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है 2023 में? सही आंसर चला जाएगा 7.2%। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया है? तो दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज जो कि शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर में, ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपका संबंधित है दोस्तों मेघालय से। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? तो IONS समुद्री अभ्यास 2022 इसका समापन हुआ है दोस्तों गोवा में। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। गोवा से रिलेटेड दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों गोवा बना है। पहला एल्कोहल म्यूजियम ये कहाँ पर खोला गया है? आपका गोवा में खोला गया है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गोवा में स्थित है।
गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता बनाए गए हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये आपका तिलक मैदान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में डफ एंड फ्लिप सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली जो है ये आपके शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब लेते हैं दोस्तों हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो दोस्तों अगर बात की जाए किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरकुद्दीन अली अहमद जो थे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री की राज्यपाल। दोस्तों आपको बता दें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्य का राज्यपाल। तो दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? दोस्तों संविधान का जब निर्माण हुआ था तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। अगला है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिसमें सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम दिन था जिसमें सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों बात करें भारतीय संविधान की तो इसमें आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? दोस्तों 1959 को 2 अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था नागौर, राजस्थान के नागौर से। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है पंचायती राज व्यवस्था ये किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? तो ये आपके 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों नए राज्यों का गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार जो है ये होता है देश की संसद के पास। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? दोस्तों भारत की लोकसभा जो है ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की, तो भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें कि आपका मौलिक अधिकार का प्रावधान है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों बात आती है धन विधेयक की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका दोस्तों प्रावधान अनुच्छेद 110 में है और ये आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में ये आपका धन विधेयक पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आपका अनुच्छेद 61 में है। अगला है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों बात की जाए संसद की प्रथम बैठक की, तो 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इसको शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये अधिकार, मौलिक अधिकारों में से एक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों अगर बात की जाए भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो 1951-52 में ये आपका संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो बात की जाए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? बात की जाए राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की तो 5 वर्ष इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं के वर्णन की बात की जाए तो इसका आपका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो हम भारत के लोग दोस्तों ये शब्दावली जो है ये आपके संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अगर बात की जाए न्यायिक समीक्षा की तो इसकी अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि होती है दोस्तों 6 वर्ष। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की अवधि कितनी होती है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं इनके निर्मित होने की अवधि आपकी 2 वर्ष होती है। तो दोस्तों ये था आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।